अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट किया करें। तो अभी मैंने नाश्ता किया है और कामरान जो है ऑफिस चले गए हैं, आयजल जो है इधर बैठी है मेरे साथ। और मैं ये सोच रही थी कि मेरा ना वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हमेशा यही होता है कि जब मेरा वेट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना तो आई स्टार्ट डाइटिंग। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से आती है, वो जो आ नहीं रही, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको लाने की बट नहीं आ रही। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही। और अब ऐसा है कि करनी तो है क्योंकि फिट भी रहना है। और एक मसला ये भी है कि मेरे जितने भी कपड़े हैं, पिछली शादियाँ भी गुजरी उसमें भी मुझे बड़ी मुश्किल हुई है लाइक कपड़ों के हवाले से, क्योंकि सारे कपड़े जो हैं वो फिट हो गए हैं और वो मुझे आ नहीं रहे, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। तो अब डाइट करनी पड़ेगी, मतलब कोई और सोल्यूशन तो है नहीं। तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन आप लोग भी दे दें कोई कमेंट्स वगैरह में, बताएं कि मोटिवेशन कैसे लेनी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ करती थी बट आजकल कोई नहीं हो रही, क्योंकि मुझे चाय भी पीनी होती है, सर्दियाँ भी आ गई हैं और सर्दियों में डाइटिंग सबसे मुश्किल होती है क्योंकि गर्म चीज़ें खानी होती हैं, सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है। तो बंदा मज़े मज़े के पराठे, आलू वाले पराठे, देसी घी लगा के और ऊपर से चाय हो गई, नान हो गए, पाए शाए वही ये खाने शाने खाने का बड़ा दिल करता है सर्दियों में। तो वही बस, लेकिन मोटिवेशन मुझे अपने अंदर लानी है और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ज़रा मोटिवेशन की वीडियोज़ देखती हूँ, एक दिन ज़रा लगाती हूँ, थोड़ी मोटिवेशन आएगी और उसके बाद जो है मैंने डाइटिंग शुरू करनी है। मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मेरा वेट कितना है, मुझे कितना करना है और मैं क्या डाइट करूँगी। और ये मैंने जो है लगाई है गर्म पट्टी पाँव में, क्योंकि मेरी इस वाली जो जगह पे ना शदीद पेन हो रहा था काफ़ी दिनों से, चलती हूँ तो बहुत पेन होता है। तो मैंने कहा थोड़ा गर्म पट्टी लगाती, इसको गर्म रखती हूँ कुछ दिन, क्रीम भी लगाई है तो थोड़ा सा इसको गर्म रखते हैं, और अगर ना सही हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मेरी समझ नहीं आ रही, पिछले 3-4 दिनों में मैंने इतने चक्कर लगा रही हूँ डॉक्टर के कि मत पूछें, लेकिन बस लग रहा है ठीक हो जाए खुद ही। ये मैं 21वां सिपारा की तशरी जो है वो पढ़ रही थी, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान आपके साथ जुल्म करता है, आपके पीछे कोई बात कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा काम कर रहा है या आपको दुख दर्द पहुँचा रहा है, तो आपने उसका डट कर जो है जवाब देना है। ऐसा ना हो कि आप जो हों नरम और शीरी बने रहें और लिहाज के दायरे में उनके साथ रहें और वो आपके साथ बद से बद करते रहें, तो बेहतर है कि आप उनको मुंह तोड़ जवाब दें और उनको भी पता चले कि ये इंसान कमज़ोर नहीं है, और उनको बताएं कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको बताएँ कि ये गलत है। हाल में और हर तरह के लोगों के मुकाबले में नरम और शीरी ही ना बना रहना चाहिए कि दुनियाई हक की शराफत को कमज़ोरी और मस्कनत समझ बैठे। ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इरादे से देते हो, ठीक है, इसके देने वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। मतलब ज़कात हमें देनी चाहिए और उसके ज़रिए से जो हमारा माल है वो बढ़ता है। और यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि रिश्तेदारों और मिस्कीन और मुसाफिर को खैरात दें, खैरात नहीं है यहाँ पे लफ्ज़, ठीक है। यहाँ पर इरशाद ये हुआ है कि ये इसका हक है, मतलब ये उनका हक है जो हमें अदा करना चाहिए और हक ही समझकर हमें इसे देना चाहिए। रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों को हमें ये हक जो उनका है ये अदा करना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए थे कामरान, और इनको भी अपनी जगह पे रखना है। समझ नहीं आ रही कहाँ रखूँ, क्योंकि इतना क्लटर हुआ हुआ है ना पूरा घर में, तो इसको भी सेट करके रखते हैं। और मैंने सीढ़ी मंगवाई है दाने से, मैंने कहा ये लेकर आओ, मैं ऊपर से वो ब्लैंकेट वगैरह निकालती हूँ और कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर रखनी हैं वो रखते हैं। तो यहाँ पर भी जा रहे जो हैं काम शाम चल रहे हैं अभी, विंटर्स के कपड़े जो हैं प्रेस हो रहे हैं। बाकी कमरा जो है वो दानिश ने सेट कर दिया है, और आजल का ये क्यूट सा जो ऑक्टोपस है ये ऊपर बैठा है। रात को कामरान ने इसको इधर बैठाया हुआ था और मैं जब नमाज के लिए उठी हूँ तो मैं इसको देख के लगी, मैंने कहा ये तो वहाँ पड़ा होता है तो ये इधर कैसे आ गया। तो मैं जा रही हूँ आयजल को लेकर वॉक पे, और नीचे है आयजल गई भी है नुशे हुरैन के रूम में, और वहाँ पर एक सरप्राइज़ है, तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
चॉकलेट से भरा हुआ है। दिखाएं अब गिफ्ट, दिखाएं आइजल के मुझे। कहीं कामरान कोई गिफ्ट लाया आइजल के लिए। कमी छोटा लग रहा है मुझे। नहीं बहुत छोटा है ये, बहुत छोटा है। मुझे पता है, इतना तो आयजल को मैं पहले पहनाती थी जब आयजल छोटी थी। ये शर्ट पूरी है, अब बड़ी हो गई है। ये पैंट पूरी है। मुंह देखो जरा, मुंह उसने गंदा कर दी शर्ट। हम आए हुए हैं क्रेजी कॉन्स और मैंने लिया है लोटस शेक। हम खा रहे हैं आइसक्रीम, आइजर भी थोड़ा थोड़ा खा रही। अभी मैं लाई हूँ चिकन स्प्रेड, ये ट्राई करते हैं, और जैम आइजल के लिए। साथ में कुछ नूडल्स वगैरह हैं और चीज़ लाई हूँ शवारमा बनाने के लिए। ये मैदा लिया, चीज लिया, और ताकि मैंने ना पराठा बनाना है आटा और मैदे वाला। और ये ऑलिव ऑयल लिया आइजल के लिए, अच्छा होता है काफ़ी। इतने ऊपर नहीं। ये क्या हो रहा है आइजल? ओए कैटी, ये कैटी कैटी मियाओ। अगर नीचे से टूट गई और निकल गई है। हाँ किस जमाने की बास्केट है। 10 साल तो हो गए होंगे इसको। हाँ किसकी है ये? अनुषी लोगों की बास्केट थी जब वो पैदा हो गई थी। नहीं नहीं हाँ वो पहले। अच्छा अच्छा खेल रहे आइजल। ओ ओ